कोई भी वस्तु किसी को अजेय नहीं बनाती। ये वस्तु नहीं, पराक्रमी कवच है आचार्य। कितना भी पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, कवच है तो एक वस्तु ही, और हर वस्तु की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा का कोई महत्व नहीं आचार्य? मूल्य यात्रा का है, यात्रा में मिली वस्तु का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है चंद्रगुप्त। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख, राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है। इसलिए जितनी दुर्गम होगी यात्रा उतना ही निखरेगा व्यक्ति। फिर कवच के लिए जो कथाएं प्रचलित थी वो सारी मिथ्या? किनकी थी वो कथाएं? उन महान योद्धाओं की, जिनकी महानता ने उनके कवच तक को इतिहास बना दिया। तो बड़ा कौन? वो कवच, वो व्यक्ति, या वो योद्धा, या वे कार्य, वे महान युद्ध जिनसे वो इतिहास में अमर हो गए? वो व्यक्ति, वो योद्धा, वो लिख चुके हैं अपना इतिहास। तुम्हें अपना इतिहास अभी लिखना है, तब समय बोलेगा कि चंद्रगुप्त अजेय था। मैं समझ गया आचार्य, कवच से बढ़कर है वो अनुभव। कवच के पीछे दौड़ते दौड़ते स्वयं तक पहुंचने की यात्रा ही उपलब्धि है। साधु जी, आज जो आपने मुझसे कहा उसे मैं जीवन भर याद रखूंगा।